हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रीना प्रफुल ऑफिशियल। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे इज़ माय रक्षाबंधन मेकअप लुक। अगर आपने पिंक कलर का आउटफिट वेयर किया होगा तो उसके साथ वेरी इजीली 5 to 10 मिनट्स में ये मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सो कोई भी मेकअप क्रिएट करने से पहले सबसे पहला जो काम होता है अपने फेस को क्लीन करना। मैंने यहाँ पे फेस वॉश किया है, देन उसके बाद अपने हेयर्स को क्लिप वगैरह कर ले अच्छे से ताकि मेकअप के टाइम वो फेस पे ना आए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर यूज़ करूँ जो कि गुड वाइब्स ग्रीन टी ग्लो टोनर है। ये आपको purple.com पे वेरी इजीली मिल जाएगा और फुल रिव्यू इसका मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फेस वॉश के बाद टोनिंग करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये हमारे जितने पोर्स ओपन होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, फ्रेश रखता है और हमारे मेकअप को ग्लोइंग रखता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो पॉन्ड्स बीबी के दो शेड आते हैं, 01 और 02। तो एक थोड़ा डार्क होता है, एक लाइट होता है। तो मैं बता दूं, जो 2 नंबर का होता है थोड़ा सा डार्क होता है, जो 1 नंबर का होता है थोड़ा लाइट होता है। और ये है पॉन्ड्स बीबी का ओरिजिनल शेड 01 एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रीम। इससे पहले मैंने बहुत सारे मेकअप इस क्रीम के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। फाउंडेशन वगैरह से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। सो पहले मैं इसको यूज़ करती थी, बट अभी कुछ कुछ अलग अलग ट्राई करती हूँ और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी। अगर आप बिगनर हैं और मेकअप क्रिएट करना चाहते हैं, मेकअप सीख रहे हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ करें। एंड इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है बिना ब्लेंडर के फिंगर की हेल्प से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और कभी भी गाइस, चाहे वो फाउंडेशन हो, बीबी प्लस हो या बीबी क्रीम हो, अपने ईयर को भी अच्छे से वहां पे लगाएं, नहीं तो फिर ईयर अलग से ही दिखने लग जाता है, फेस अलग दिखता है, नेक अलग दिखता है। तो नेक और फेस और ईयर के पास भी यूज करें बीबी फाउंडेशन या जो भी आप यूज करें। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। अभी तक मैंने शायद ही कोई वीडियो शेयर किया होगा आप लोग के साथ जिसमें मैंने ब्लैक कलर का ये आईब्रो पेंसिल यूज किया हो, तो ये मेरा आई थिंक बहुत टाइम बाद ये फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ कि NYB का विथ SPF 40 है। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन या इस तरह से कुछ भी नहीं लगाया, बिकॉज इसमें ऑलरेडी SPF है, तो SPF लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट को अपने फेस पे, नेक पे और थोड़ा सा ईयर्स पे भी लगाऊंगी, जैसा कि आप लोग वीडियो में अभी देख रहे होंगे। और पीछे वहाँ पे पीहू खेल रही थी लाइट्स के साथ, और मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा रही थी, तो लाइट वगैरह देख करके वो लाइट्स के साथ खेल रही थी और मैं यहाँ पे मेकअप शूट कर रही थी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आई पैलेट से आई शेडो लगा रही हूँ जो कि गोल्डन कलर में है, तो इसका बस टच दूंगी, अपने क्रीज को बिल्डअप करूँगी एंड जो मेरा साइड आई कॉर्नर है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही हैवी वाला आई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप कर रही हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और रक्षाबंधन मेकअप लुक है, तो रक्षाबंधन में कोई इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करता है, सिंपल ही सब लोग तैयार होते हैं। यहाँ पे मैंने टी शर्ट और सॉरी टॉप और मैंने जीन्स वेयर किया हुआ है, तो इस पर सिंपल सा ही मेकअप अच्छा लगेगा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही हैवी वाला मेकअप नहीं अच्छा लगेगा। देन रक्षाबंधन में इतना कोई हैवी मेकअप करता भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फटाफट से वाला सभी लोग मेकअप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का आउटफिट पहना हुआ है और उसके साथ में जो गोल्डन कलर है उससे अपने आई क्रीज को और इन सबको बिल्डअप कर रही हूँ अपने कॉम्पैक्ट के थ्रू। देन उसके बाद मैं पिंक कलर का यहाँ पे स्पार्कल वाला थोड़ा सा टच दूंगी, बिकॉज मेरा पिंक कलर का टॉप है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो बहुत ही पूरा आईज में नहीं करूंगी, ओनली फॉर नीचे थोड़ा सा। तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि मैं बार बार बोल रही हूँ, तो वो मैं बोल रही हूँ पीहू को। एक्चुअली क्या है कि उसको मैंने अभी सुला दिया था, बट वो उठ गई, यहाँ सेटअप वगैरह तैयार करते करते उठ गई, और उठने के बाद फिर तो बोल रही मम्मा मैं सोकर उठ गई। तो चलो कोई नहीं, साथ में बैठ के वो भी साइड में मेकअप कर रही है, और मेकअप क्या कर रही है वो ज़्यादा सामान बर्बादी करती है, तो वही मैं उसको बार बार बोल रही हूँ कि बेटा ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था, और मैं आप लोग को प्राइस बताती हूँ, आई थिंक 54 समथिंग में मैंने लिया था। आपको ऑनलाइन ये इतने छोटे वाले तो नहीं मिलेंगे, इससे बड़े वाले ही मिलेंगे, ये सबसे छोटे वाले हैं। ब्लू हेवन का मस्कारा एंड आईलाइनर जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिया था, 45 या 54 ऐसी समथिंग में था ये, तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में। तो सारे ही प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। एंड आपको मेरे मेकअप वीडियोस कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, प्रेस ऑल्सो द बेल आइकन जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखें। देन यहाँ पे मैंने अपना हाईलाइटर यूज़ किया, हाईलाइटर यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक यूज़ करी। और प्लीज़ गाइज अपने फैमिली फ्रेंड में सबके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से सब्सक्राइबर जुड़ पाएँ, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं और आप
आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ पाए। देन यहाँ पे मैं ईयर रिंग यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत एक क्यूट सा है और ये मैंने लोकल मार्केट से नॉर्मली लिया है, छोटा सा, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। मुझे इस तरह की ईयर रिंग पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग किस तरह की ईयर रिंग पहनना पसंद करते हैं इस तरह की ड्रेस पे, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, बिकॉज मैं वहाँ बनाती हूँ रील्स की बहुत सारी वीडियोज़ और वहाँ पे हूँ मैं सुपर डुपर एक्टिव, वहाँ पे हमेशा मैं फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। और दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कौन सा लेकर आऊँ, क्या चीज़ का लेकर आऊँ, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।